वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स के इनइक्वालिटी टॉपिक डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग जानते हैं कि को दो रूट होता है। जैसे मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हम लोग जानते हैं इसके दो रूट होते हैं। अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं और एक्सप्रेशन जो इनइक्वालिटी हमें सोल्व करना है, जो दिया हुआ है, वो इस तरह का होगा या इस तरह का होगा? इस तरह का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और दूसरा लेस देन जीरो, ये पॉसिबिलिटीज हैं। हम लोग देख लिए कि इसके, मान लीजिए कि रूट्स अल्फा और बीटा हैं और इस तरह से है कि अल्फा बीटा से छोटा है, ये रूट्स दोनों रियल रूट्स हैं। तो इनइक्वालिटी के डिस्कशन में एक चीज समझना इंपॉर्टेंट होता है, वह है इंटरवल। इंटरवल जैसे मान लीजिए यह नंबर लाइन है और सपोज यह 5 है और यह 6 है, तो दो तरह का इंटरवल होता है जो हम लोग यूज करते हैं। अगर मान लीजिए x यहाँ पे आता है कहीं पे कि इसके बीच में है, तो x हम लोग लिखते हैं इस तरह से, लिखते हैं x 5 6, दूसरा लिखते हैं x इज मेंबर और इन मेंबर ऑफ दिस सेट, और दूसरा लिखते हैं मान लीजिए इस तरह से। यह जो ब्रैकेट है, जो इस तरह का ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं जैसे यहाँ हमने यूज किया, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, और यह जो है इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। यह ओपन का मतलब है कि ये जो x का वैल्यू है वह 5 और 6 के बिटवीन है। x का वैल्यू 5 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता, 5 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। x विल बी बिटवीन 5 एंड 6, नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 6। लेकिन जब ऐसा है तो x जो है 6 के इक्वल और लेस होगा, उसी तरह 5 के इक्वल और लेस होगा, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। सेम थिंग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इस तरह का जब होगा ओपन इंटरवल होगा, और इस केस में क्या होगा कि x lies between a एंड b, इट इज नॉट इक्वल टू a एंड b, दैट इज a एंड b आर एक्सक्लूडेड। जब हम यहां कह रहे हैं कि x lies between a एंड b, देन a एंड b आर एक्सक्लूडेड। जैसे यहां पे 5 एंड 6 आर एक्सक्लूडेड। और जब यहाँ क्लोज्ड इंटरवल की हम बात करते हैं, ये देखिए क्लोज्ड इंटरवल, तो x रेंजेज फ्रॉम a टू b, a एंड b आर इंक्लूडेड। इसका जो रेंज है x का, मीन्स x का जो वैल्यू जहाँ से जहाँ तक हो सकता है रेंज है, तो इस केस में a एंड b आर इंक्लूडेड। जैसे यहाँ 5 एंड 6 आर इंक्लूडेड, जैसे यह देख लिया। इतना देखने के बाद देखिए, जब भी इनइक्वालिटी सोल्व करना हो तो पहला जो स्टेप है वह इसका रूट्स निकालना। जैसे हमने देखा
इसका हम लोगों ने देख चुका है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर में, तो अल्फा और बीटा हम पहले इसका निकाल लेंगे। और एक नंबर लाइन पे अल्फा इज ए स्मॉलर देन बीटा, सो अल्फा विल कम फर्स्ट, यहाँ पे अल्फा आएगा एंड देन बीटा विल कम। अब देखिए इसमें कहीं पर भी आप एक वैल्यू, ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक वैल्यू पर, जैसे सपोज ये आपका इक्वेशन है और इसमें जीरो, यह जो है जीरो इधर आएगा नंबर लाइंस पे, ये जीरो मान लीजिए यहाँ पे है, तो जीरो पे अगर इसमें जीरो रखेंगे तो इसका वैल्यू सी आ जाएगा। लेट अस से कि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ इस इंटरवल में आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अगर इस इंटरवल में पॉजिटिव आया तो इस इंटरवल में निगेटिव आएगा और फिर दूसरा इंटरवल में पॉजिटिव आएगा। तो अगर यहाँ पे दो रूट आपके मिलते हैं तो ये पूरा जो नंबर लाइन है वो देखिए तीन इंटरवल में बढ़ जाता है, एक माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा, अल्फा टू बीटा एंड बीटा टू इन्फिनिटी। अब आपने देख लिया कि इसमें अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, और ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। जब भी कोई नंबर दिया हुआ हो तो आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लिख दें, कोई भी एक नंबर ले लें, एक इक्वेशन एक्सप्रेशन ले लें, जैसे एक्स स्क्वायर लेटस से माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। अब इसको जब आप कुछ भी है, मान लीजिए कि यह हमारा ऐसे दिया हुआ है, अब इसको जब हम फैक्टोराइज करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व। अब इसको आप करेंगे फैक्टोराइज कर दीजिए तो आ गया एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर। तो जब एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर आ गया तो हमारा यहाँ पे देखिए अगर हम एक लाइन बनावें, ऐसे लाइन डायग्राम लें ऐसे, तो यह हमारा थ्री हो गया और यह हमारा फोर हो गया। थ्री इसलिए हो गया, थ्री पहले आएगा या बाद में आएगा, और हमारा माइनस इन्फिनिटी कहीं इधर होगा और प्लस इन्फिनिटी कहीं इधर होगा। तो यहाँ तक हमें देखिए थ्री फोर हो गया। अब इस इक्वेशन में मान लीजिए हमने एक्स को जीरो रख दिया और यहाँ हम देख रहे हैं कि जीरो इधर कहीं है, एक्स का वैल्यू थ्री से लेफ्ट साइड में होगा, तो देखिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, हमें एग्जैक्ट उसके एक्सप्रेशन के वैल्यू से मतलब नहीं है, तो इसलिए हम केवल इतना देख रहे हैं कि इस इंटरवल में इसका साइन प्लस होगा, क्योंकि एक्स अगर हम जीरो रख रहे हैं तो इसका वैल्यू 12 हो रहा है। तो यहाँ कुछ बगैर कैलकुलेट किए आप इसका वैल्यू माइनस होगा और यहाँ अगेन प्लस होगा। अब अगर आपको एक्सप्रेशन देखिए प्लस होना है तो इसका मतलब क्या है, और इक्वल भी हो सकता है, जीरो का इक्वल एंड प्लस ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब है कि देखिए यह जो रेंज है या और उसी तरह या ये एक्चुअली ओपन रहेगा क्योंकि इन्फिनिटी तक आप पहुंचेंगे नहीं, तो यह हमारा वैल्यू एक्स का वैल्यू देगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे एक्स का वैल्यू, तो एक्स का रेंज जो होगा यह देखिए क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी तो हमेशा एक्सक्लूड करना है, माइनस इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, तो ये ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। और
या इस केस में 3 इंक्लूड होगा, क्योंकि 3 पे आप देखेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा, और यह जो आपका है इसमें 0 को इंक्लूड करना है, तो इसलिए 3 इंक्लूड होगा। तो आप ये इस साइन को लगाएंगे, यह बताता है कि 3 इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है। अब इसके अलावे और क्या वैल्यू होगा, देखिए 4 इंक्लूडेड होगा, ये रेंज में नहीं है वैल्यू हमारा, क्योंकि यहाँ माइनस है, जबकि हमारा वैल्यू प्लस आना चाहिए, तभी 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होने के लिए वैल्यू प्लस होना चाहिए। तो ये प्लस का रेंज देखिए इधर है, तो 4 हमारा इंक्लूडेड है, क्योंकि 4 पे वैल्यू 0 होगा, तो इसलिए ए ब्रैकेट यूज होगा, क्लोज्ड इंटरवल। और इन्फिनिटी जो है वह प्लस इन्फिनिटी लिखिए या इन्फिनिटी लिखिए, या ओपन होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे आप पहुंचेंगे नहीं। तो यह जो वैल्यू है यह आपका आंसर होगा। तो इसी चीज को यहां समराइज किया हुआ है, मैंने कहा पहले एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम देख लेते हैं तो चीजें अधिक क्लैरिटी हो जाती है, अदरवाइज जैसे यहां लगता है, जैसे मान लीजिए इसी में अगर इसको प्लस करके इसको हम माइनस कर देते 12 को, तो यहाँ पे यह जो इंटरवल है, जो शुरू का इंटरवल था, यहाँ माइनस साइन हो जाता, और इस इंटरवल में प्लस होता, इस इंटरवल में माइनस होता, तो वैल्यू अलग हो जाते हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि अगर इसको ग्रेटर देन 0 है, तो देखिए इसमें कोई क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, सब ओपन इंटरवल है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो जिस पे इस अल्फा पे 0 होगा, इस बीटा पे 0 होगा, तो इसमें इस केस में ए अल्फा और बीटा दोनों एक्सक्लूडेड रहेंगे। लेकिन यही यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 0 है, तो ये अल्फा इंक्लूड हो गया और बीटा भी इंक्लूड हो गया। और अगर ये मान लीजिए कि आपको इसके लिए अब आपको लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉलर है उसमें देखिए इंक्लूडेड नहीं है, तो x का क्या रेंज होगा, x विल बी ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है 0 के साथ, तो होगा अल्फा टू बीटा इस केस में। तो ये इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। तो इनइक्वालिटी जहां भी बनाना हो, तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि उसके रूट्स को नंबर लाइन पे लिख लें, जितने भी रूट्स पॉसिबल होंगे, और उसके बाद कोई भी एक पार्ट में, कोई भी एक रेंज में उसका साइन आसानी से जहां निकल सकता है हम निकाल लें, और उसके बाद ऑटोमेटिक ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारे रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा उससे आप आसानी से निकाल लेंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत जगह प्रॉब्लम्स में आएंगे, स्पेशली जो जहाँ पर मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट होता है, जैसे NTSC का एग्जामिनेशन है, या IPM का एग्जामिनेशन है, और जो बच्चे इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी करते हैं वो सब के लिए इनइक्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में देखिए, ऐसा में जब भी दो फ्रैक्शंस हैं पॉलिनोमियल का जहाँ डिवीजन भी है, तो कभी भी अगर कुछ कॉमन है जैसे नीचे से, तो उसको कैंसिल नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर यह इसको इससे बड़ा होना है, तो इसमें अगर हम माइनस कर दें तो इट विल बी ग्रेटर देन 0। तो हमेशा 0 के फॉर्म में, 0 के कंपेरिजन में चीज़ों को हमें लिख लेना है, पहला चीज़। तो यहाँ पे हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ x प्लस टू, 4x माइनस 1, ये दोनों का LCM हो गया, और बाकी जैसे आप करते हैं उस तरह से सिंप्लीफाई कर दिए,
कि ए ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हमने कर दिया। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके और हमने लिख दिया यह इतना आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा वैल्यू इतना आ गया। अब ये सब में टू कॉमन है तो हमने टू बाहर कर दिया। अगर ये टू एक नंबर है, देखिए यह कोई पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इस टू को अगर हम इधर कर दें तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, फंक्शन पे इनइक्वालिटी पे। तो इसलिए हमने इसको इधर हटा दिया तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू बाई फोर एक्स माइनस वन। तो अब हमारा यह हो गया। अब देखिए यहां पर टू एक नंबर था, ये कोई वेरिएबल नहीं था, पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं था, पॉलिनोमियल नहीं था, इसलिए हमने इसको इधर कर दिया। लेकिन अब यह जो x प्लस टू फोर एक्स माइनस वन है ये पॉलिनोमियल है, इनको हम लोग वैसे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग यहां पर ये भी देखना है कि अगर अभी हम इसको आगे करें तो यह जो हमारा फंक्शन होगा x इज इक्वल टू माइनस टू और x इज इक्वल टू वन बाई फोर पे डिफाइंड नहीं रह जाएगा, इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको जब ऐसा जब भी प्रॉब्लम हो, और यह बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमें क्या करना है कि दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में, इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखिए x प्लस टू है तो हम x प्लस टू का स्क्वायर, 4x माइनस वन है तो 4x माइनस वन का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर मल्टीप्लाई किए तो जीरो आया, कोई भी पॉलिनोमियल में भी जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो इसलिए इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने ये कर दिया। अब देखिए पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, अब यह और यह, यह और यह कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बच जाएगा x प्लस टू फोर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर। यह जो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर है इसको भी फैक्टोराइज कर दीजिए तो इतना हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर चार रूट्स हो जाएंगे, ऐसा इसको जीरो होने के लिए या तो ये जीरो हो, यह जीरो हो, यह जीरो हो, या यह जीरो हो। तो डिपेंडिंग अपॉन आप अलग अलग जीरो करिए, तो देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स हो जाएगा माइनस टू वन बाई फोर वन एंड फोर। तो इसमें देखिए सबसे छोटा माइनस टू है, तो इसको नंबर लाइन पे आप अरेंज कर लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था हमारा स्टेज स्टेप्स होता है कि सबसे पहले रूट्स को निकालेंगे, जितने भी रूट्स आ रहे हैं पॉलिनोमियल को, उसके बाद हम लोग उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, देखिए माइनस टू वन बाई फोर वन फोर आ गया। अब हम लोग कोई भी एक, इतने देखिए पार्ट में बच गए, इतने रेंजेज हो गए, इतने पार्ट्स हो गए, ये हो गया देखिए वन टू थ्री फोर और फाइव पार्ट हो गए। अब इस फाइव पार्ट में से या रेंजेज में कहीं भी एक में हम इसका वैल्यू देखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, और उसके लिए सबसे आसान होता है जीरो पर देखना, क्योंकि आपको अधिक मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए अगर इसको हम जीरो रख दें तो देखिए यहाँ कितना बच गया, टू इंटू माइनस वन बाई फोर इंटू वन, सॉरी माइनस वन इंटू माइनस फोर। जीरो रखेंगे तो यहाँ माइनस फोर, माइनस वन, माइनस वन बाई फोर एंड टू। तो देखिए अब यहाँ पे थ्री माइनस आ गया,
ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा और ये दोनों मिलके माइनस होगा, तो माइनस होगा। तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हमारा जो ये एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू निगेटिव है। और यहाँ देखिए जीरो कहाँ है, जीरो इस रेंज में है कहीं पे, सपोज यहाँ है। तो इस रेंज में जो रेंज टू है इसमें हमारा वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव है। तो अल्टरनेट हम जानते हैं कि प्लस माइनस प्लस इस तरह से होता है, तो यह प्लस हो जाएगा और यह भी प्लस हो जाएगा, यह माइनस होगा यह प्लस हो जाएगा, इस तरह से हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इस वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो होना है। तो देखिए कौन कौन सा रेंज होगा जहां हमारा वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, एक यह रेंज है यह, दूसरा यह है, यह है और तीसरा यह है। तो तीन रेंज है जिसमें हमारा वैल्यू पॉजिटिव होगा जो रिक्वायर्ड है। और दूसरा चीज यहां पे देखिए इक्वलिटी का साइन नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो क्योंकि यहां इक्वलिटी का साइन नहीं था, अगर यहां पे आप देखिए इक्वलिटी का साइन नहीं था इसलिए हमारा इस यहां पर जब हमने इसको बदला तो यहाँ इक्वलिटी नहीं आया। तो इक्वलिटी नहीं होने से जैसा कि अभी हम लोगों ने अपने पिछले एग्जाम्पल में या पिछला डिस्कशन करते समय किया कि ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल नहीं आएगा, सब इंटरवल ओपन आएंगे। तो देखिए एक्स कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूनियन, उसके बाद ये थर्ड इंटरवल में वन बाई फोर टू वन, और फिर अंतिम इंटरवल में ये देखिए 4 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे आंसर हो गए। और जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है सपोज इसी में इक्वालिटी भी रहता तो हमारा इंटरवल क्लोज्ड होते, और कैसे होता, माइनस इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करके और बाकी सभी में इंटरवल हम लोग क्लोज्ड रखते। थैंक्स, गुड लक। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स स्टिल इफ यू नीड एनी एडिशनल क्लैरिफिकेशन you can post same in comment of this video. If you need any additional clarification on the topic, you can post your comment under this video. Thanks, good luck. If you need any additional clarification on the topic, you can post your comment if any additional clarification is required on the topic. You can post your doubts through comment section. If
एनी एडिशनल क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड ऑन द टॉपिक यू कैन पोस्ट योर डाउट अंडर कमेंट्स. थैंक्स. गुड लक. वेलकम. इस लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स के लीनियर इक्वेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे. कोई भी पॉलिनोमियल का हम लोग डिग्री और टर्म्स अपने पॉलिनोमियल लेक्चर में देख चुके हैं. तो यहां हम लोग सेम टर्म को डिस्कस नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे डिस्कशन को. अगर आपको कंफ्यूजन है आप उस लेक्चर को देख सकते हैं. कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी इक्वेशन जिसका डिग्री वन हो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. डिग्री वन, जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यह लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल्स में स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म है. लीनियर इक्वेशन का डिग्री वन होता है और वेरिएबल वन हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं. जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है तो यह टू वेरिएबल्स है, एक्स और वाई. इक्वेशन लीनियर है क्योंकि इसका यहाँ भी डिग्री वन है, यहाँ भी डिग्री वन है. लेकिन अगर यही ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रहे तो यहाँ केवल एक वेरिएबल है, तो हम कहेंगे कि वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है. तो नंबर ऑफ वेरिएबल एक भी हो सकता है और मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा. अब हम यहाँ मेनली लीनियर वेरिएबल ऑफ टू, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे. जैसे अभी आप देखिए, सपोज ये दो इक्वेशंस हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू. हम लोग जानते हैं कि a1 b1 को कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, एंड c1 c2 कांस्टेंट वैल्यू हैं, कांस्टेंट्स हैं. a1 b1 उसी तरह a2 b2 ये भी कोएफिशिएंट हैं. अब अगर x और y का कोई ऐसा वैल्यू हो जो हम अगर दोनों में रखें, मान लीजिए लेट अस से कि ए एंड बी ऐसा वैल्यू है एक्स वाई का कि एक्स इज इक्वल टू अगर ए रखें और बी इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू बी रखें दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है. तो उस केस में यह जो ए बी है ये दोनों इक्वेशन का, इसको कहते हैं साइमल्टेनियस सॉल्यूशन. और जब हम इनका ग्राफ खींचते हैं दोनों का तो लीनियर इक्वेशन इनको इसलिए बोला जाता है कि इनका अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा दो हमेशा लाइन आएगा. लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा लाइन होगा. मान लीजिए यह एक लाइन है, दूसरा लाइन यह है, तो दोनों लाइन हमेशा, अगर इनका एक सॉल्यूशन मिलता है तो ये एक पॉइंट पर कटेंगे. दो स्ट्रेट लाइन
या तो एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, दोनों के पैरेलल हैं मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, प्रत्येक पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को साइमल्टेनियसली। और या तीसरा, ये ऐसा है तो इसको साइमल्टेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं कि ये एक पॉइंट पे इसको यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक पॉइंट है ए बी जहां पर दोनों इक्वेशन मिलते हैं, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए कंडीशंस, जैसे हमने कहा, मान लीजिए नंबर हम कर रहे हैं, जैसे सपोज 4x प्लस 5y इज इक्वल टू, मान लीजिए 9 है, हम लिखे 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 है, तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गए। अब सपोज एक केवल पहला इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन का, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन्फिनिटी होते हैं, अनंत होते हैं। क्यों? देखिए एक्स का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वाई का एक वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि आप अगर इसको ऐसे सोल्व कर दें y इज इक्वल टू 9 माइनस 4x बाई 5, अब x का वैल्यू कोई भी वैल्यू आप रखेंगे y का एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगा, तो ऐसा केस में ये इनफाइनाइट, एक इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब मान लीजिए कोई इक्वेशन है, यही 4x प्लस 5y है, इसमें हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया 12x प्लस 15y इज इक्वल टू 27। अब यह इक्वेशन और यह इक्वेशन दोनों सेम इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि ये सिंपली इसमें हमने सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ऐसे केसेस में हमारे जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि एक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट। और ऐसे में क्या होगा, ये दोनों का जब रेशियो देखेंगे a1 a2 का, b1 b2 का और c1 c2 का, इसका रेशियो सेम रहेगा क्योंकि हमने इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए वो यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है, या a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि बेसिकली क्या है, पहला इक्वेशन यह है, यहाँ है, अगर इसमें आपने मल्टीप्लाई करके और इसको लिया है, जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया, तो a1 बाई a2 विल, या a2 बाई a1 विल बिकम 3, a1 बाई a2 विल बिकम 1/3, उसी तरह b1 बाई b2 1/3, c1 बाई c2 1/3, तो ये सेम रहता है। तो ये कंडीशन आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि ऐसे केसेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। और इस केस में अगर आपने a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये तो है 2, लेकिन इधर आपने अलग अलग कर दिया, तो यह दोनों पैरेलल लाइन आएंगे ऐसे, इसका आप अगर ग्राफ खींचेंगे तो अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरा लाइन इसके पैरेलल ऐसे आएगा, तो इस केस में आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन,
ऐसे केसेस का। और ऐसे केसेस में चूंकि एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके मिल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन। एक में मल्टीप्लाई करके हम दूसरा निकाल ले रहे हैं, तो इसमें जो दूसरा है वो ऑटोमेटिक रूप से पहला पे डिपेंडेंट है। और यहां पर अगर ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, यहां पे जैसे देखिए अगर ये रेशियो सेम नहीं है तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से यह नहीं आ रहा है। तो ऐसे केसेस में, और ये पैरेलल भी नहीं है क्योंकि एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम नहीं है या दोनों का रेशियो सेम नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं होंगे। और अगर पैरेलल नहीं होंगे और एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये इनको, ऐसे इक्वेशंस को इंडिपेंडेंट इक्वेशंस बोलते हैं। और इनका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक पॉइंट ए बी ऐसा होगा जहां एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी रखेंगे तो हमारा ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ए लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन है। आइए इसको सोल्व करने के तरीके देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो इक्वेशन हमारे पास दिए हुए हैं, ये इक्वेशन है, अब हमें इसको सोल्व करना है। पहले देख लीजिए इसका सॉल्यूशन संभव है कि नहीं है। देखिए ए ए वन बाई ए टू है 2/9 और बी वन बाई बी टू है 5/-4, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये चीज़ हम समझ गए। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है? देखिए इसके सोल्व करने के यहाँ हमने तरीके लिख रखे हैं जो आपको मिलेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें ये मेथड है पहला सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है कि एक्स का वैल्यू या तो इससे निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए तो केवल वाई अननोन बच जाएगा और वहां से आपको एक इक्वेशन रहेगा, आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज ये हमको इक्वेशन सोल्व करना है तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1+4y/9। अगर इसको हम फर्स्ट में रख दिए तो कितना हो जाएगा, 2 × 1+4y/9+5y = 12। अब इसको हम लोग सोल्व करना जानते हैं, केवल y है तो इसको हम लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 × 1+4y+45y = 99। इसको हम लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका है कंपैरिजन। कंपैरिजन का क्या मतलब है? जैसे हमने एक से निकाला सेकेंड से, तो हमने सेकेंड से निकाला तो एक्स इज इक्वल टू 1+4y/9 आया, और हम फर्स्ट से निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 12-5y/2 आ गया। अब ये दोनों या एक्स और या एक्स बराबर होगा, तो इसलिए हम लिख देंगे 1+4y/9 = 12-5y/2। इसको जब हम सोल्व कर देंगे 2 × 1+4y = 9 = 12-5y, तो इस तरह से हमारा y का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये दोनों हो गया। थर्ड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कहने का मतलब होता है कि इसका जो एक वेरिएबल है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे? जैसे अभी हमारा यहाँ पे है, देखिए 2x, ये तभी एलिमिनेट होगा जब एक जो कोएफिशिएंट है ये यहाँ और यहाँ दोनों बराबर हो जाए, तभी होगा। तो सपोज हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 हो जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 हो जाएगा। तो
कोफिशेंट इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, अब फर्स्ट में हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8x प्लस 20y इज इक्वल टू 48। सेकेंड में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 45x माइनस 20y इज इक्वल टू 5। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि इसको एलिमिनेट करना हम चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसलिए हम इस पूरे इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो यह कैंसिल हो गया और यह हो गया 53x और यहाँ हो गया 53 ऐड किए तो x इज इक्वल टू हो गया 53/53 1। अब इस 1 को कहीं भी रख देंगे तो हमारा y वैल्यू निकल जाएगा, जैसे मान लीजिए हम इसी में रख दिए जैसे 2x, तो 2 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 12, ये हमारा पहला इक्वेशन है। तो देखिए 5y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 मीन्स 10, तो y इज इक्वल टू 10/5 2 तो निकल गया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसमें देखिए हम लोग इस तरह का बनाते हैं, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस 1 और इसके इसमें जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है उसको लिखते हैं। तो ये कैसे लिखते हैं इसको ठीक से हमें समझ लेना है। यह मेथड इतना हैंडी हो जाता है कि बहुत समय लोग इसको जल्दी से यूज करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ हमने x लिखा है तो इसमें हम x को छोड़ देंगे, तो इतना चीज़ को छोड़ देंगे तो इसको लिखेंगे, तो y का केवल कोएफिशिएंट को लिखेंगे, तो ऊपर में है 5 नीचे है -4, उसके बाद 12 और 1 और इसका फॉर्मेट यही रहेगा कि इज इक्वल टू 1। जैसे मान लीजिए आपको प्रॉब्लम आया 2x प्लस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको इसको लिखना होगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए y हमारा आ गया यहाँ y, तो हम यहाँ लिखेंगे y के बाद क्या आता है 12 और 1 जो कोएफिशिएंट है, उसके बाद 12 और 1 के बाद आता है 2 और 9, तो ये लिख दिए। अब -1 है तो हम एक कांस्टेंट है तो इसको छोड़ेंगे, तो पहले यहाँ इसके बाद ये आता है तो इसको लिखेंगे, तो 2 9 और नेक्स्ट है 5 -4, 5 -4। तो अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे x बाई और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसमें करेंगे तो हो गया 5 माइनस और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -48 इज इक्वल टू y बाई। अब देखिए इसमें करेंगे तो 108 माइनस इधर से करेंगे तो 2 इज इक्वल टू -1/y। देखिए इधर से करेंगे तो -8 और इधर से करेंगे तो 45। तो इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और दोनों के बीच में जो साइन होता है माइनस होता है। तो इस तरह से देखिए एक्स बाई जब ये करिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 53
y बाई 106 और यह हो गया माइनस वन बाई नीच डिनोमिनेटर में हो गया देखिए माइनस 53 मीन्स माइनस माइनस साइन खत्म तो 1/53 इसका वैल्यू हो गया 1/53। तो अब देखिए एक बार इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए और दूसरा बार इसको कर लीजिए तो x इज इक्वल टू हो गया 53 × 1/53 मीन्स 1 और y हो गया 106 × 1/53 इसको कैंसिल करेंगे तो 2 तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 जो आपका यहाँ भी आया था x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2। तो यह साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है। ग्राफिकल हमने बताया, पहले डिस्कस कर लिया कि ग्राफिकल में दोनों का ग्राफ खींचते हैं और दोनों जो लाइन लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वह एक लाइन आता है। तो जब हम दो लाइन दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ खींचेंगे तो दो लाइन आएगा और ऐसे केसेस में जहां हमने ये देख लिया कंडीशन इसका सॉल्यूशन यूनिक आना है तो दोनों एक पॉइंट पे दोनों लाइन कट करेंगे और वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होगा। जैसे इस केस में अगर हम लाइन खींचेंगे तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा 1, 2 x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। थैंक्स, गुड लक।